अखिलेश जी जानेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता उनको बता देगी कि अखिलेश यादव बुलडोजर होंगे कि योगी सरकार बुलडोजर। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक के समर्थन में बस्ती के बीजेपी सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने और उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी के समर्थन में प्रबुद्ध वर्गों से समर्थन मांगा। राष्ट्रीय महामंत्री व बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने बीजेपी को सभी विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। यूपी के अलीगढ़ में देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसा तो राष्ट्रीय महामंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि सपा के अखिलेश यादव बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाते हैं, केवल ट्वीट की राजनीति करते हैं। आगामी चुनाव में जनता उनको जवाब देगी और बुलडोजर की बात करते हैं। यह तीनों पार्टियां जनता के मुद्दों को लेकर कभी समाज के बीच नहीं गए हैं, बुलडोजर वह स्वयं होंगे। बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और सबका साथ सबका विकास के लिए चल रही है। वहीं इस तरीके से देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री के लगातार बदले जा रहे हैं। इस सवाल पर राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा, बीजेपी संगठन की यह सतत प्रक्रिया है, यह होता रहता है, कब किसको क्या जिम्मेदारी देनी है यह मेरा अंदरूनी मामला है, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वह लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला है। ओवैसी द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्र की राजनीति करती है, तो जितनी भी सरकारी योजनाओं के लाभ दिए गए हैं वह जात धर्म देखकर भी नहीं दिए गए हैं, सभी वर्गों को दिया गया है। अगर ओवैसी ऐसा सवाल पूछते हैं तो सही है, लेकिन यह सवाल उनको सपा और बसपा से पूछना चाहिए। प्रदेश में विधानसभा स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाना और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से निवेदन करना कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के विकास के लिए प्रदेश के विकास के लिए जो वादा किया था उसको हमने पूरा किया है और आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश और देश को और सुंदर अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सांसद जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी का सिंबल जो है बुलडोजर होना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार जो है वो नफरत की राजनीति करती है और नफरत योगी नहीं करता है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो अखिलेश जी जानेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता उनको बता देगी कि अखिलेश यादव बुलडोजर होंगे कि योगी सरकार बुलडोजर। भाई देखिए, अखिलेश यादव जी पिछले 5 सालों से और मायावती जी और कांग्रेस पार्टी ट्वीट के माध्यम से हर चीज़ का वो कर रहे हैं जनता के बीच में, तो कभी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी पिछले 4.5 वर्ष हो गया हमारी सरकार को, किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी नहीं गई। अब ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि ट्विटर की राजनीति जैसे वो कर रहे हैं वैसे उनको जवाब देगी। सवाल है कि ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार मुसलमानों को सरकारी लाभ नहीं दे रही है। नहीं, उन्होंने कहा है कि मुसलमान पिछड़े हैं, उनको सुविधाएं नहीं दी गई, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। तो ये प्रश्न ओवैसी साहब को, अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, ये प्रश्न उनको सपा बसपा कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि हम कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के विकास की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करें, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो हम तो सबके विकास की चिंता करते हैं। हम प्रधानमंत्री आवास अगर बनवाते हैं तो हिंदू का भी बनता है, मुस्लिम के भी बनता है, अगर शौचालय बनवाते हैं सबका बनवाते हैं, बिजली कनेक्शन पहुँचाए सबके यहाँ पहुँचाए, तो हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सपा बसपा करती है, प्रश्न उनसे करना चाहिए। सांसद जी।